हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। अगर आपका बजट 15,000 रुपए है और आपको इस डेट में एक स्मार्टफोन चाहिए तो बहुत सारे ऑप्शन है इस रेंज में। और ये भी कंफ्यूजन होता है कि हमें कौन सा ब्रांड सिलेक्ट करना चाहिए, उसके साथ 4G ले या 5G ले, ये भी कंफ्यूजन होता है। तो आज के इस वीडियो में हम सभी कंफ्यूजन आपके दूर करने वाले हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन जो आपको मिलते हैं अंडर 15,000। इस लिस्ट में हमने एक फोन 4G रखा है और जो 4 फोन है वो 5G है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले चैनल पर अगर आप नए हैं जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो हमारा अच्छा लगे जरूर वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। तो जो इस लिस्ट का जो पहला स्मार्टफोन है वो है रियलमी का 10 4G। हाँ, अगर आपको एक 4G स्मार्टफोन चाहिए 15,000 की रेंज में तो आप रियलमी का 10 4G लीजिए। बहुत ही शानदार इसका डिजाइन है, उसके साथ बहुत ही पतला एंड हल्का भी है ये मोबाइल। स्पेसिफिकेशन की बात कर ले तो इसमें आपको 6.6 इंच का FHD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिलेगा 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ। डिस्प्ले में गोरिल्ला ग्लास 5 का सपोर्ट भी है। परफॉर्मेंस में आपको MediaTek Helio G99 का चिपसेट है जो कि 6nm बेस्ड है, जिसमें LPDDR4X RAM UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप है। तो अंतु स्कोर भी इसका लगभग 3,50,000 के प्लस आता है, जो कि एक अच्छा स्कोर है इस बजट के हिसाब से। गेमिंग भी आप लगभग मीडियम सेटिंग पे खेल पाएंगे इसमें। सॉफ्टवेयर में आपको Realme UI का सॉफ्टवेयर मिलता है जो कि बेस्ड है Android 13 पे। बात कर लेते हैं इसके बैटरी की, तो बैटरी भी अच्छा है 5000mAh का और 33W का फास्ट चार्जर भी सपोर्ट करता है इसमें। कैमरे की बात करें तो डुअल कैमरा मिलता है 50+2 MP का और फ्रंट में 16 MP का सेल्फी कैमरा है। 15,000 के हिसाब से इसके जो कैमरे हैं, कैमरे क्वालिटी में बोलूंगा बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ तक कि नाइट मोड की फोटो भी ठीक ठाक निकाल देता है, सेल्फी कैमरा की फोटो बहुत अच्छा है। इसमें आप फुल HD 30fps रिकॉर्डिंग कर पाएंगे और साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर है। तो अगर आपको एक 4G मोबाइल चाहिए 15,000 की रेंज में तो इसको आप चेकआउट कीजिए। प्राइस की बात करें तो इसका 4+64GB कवरेज मिलेगा 13,999 रुपए का। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड नंबर मोबाइल पे, जो कि एक 5G फोन है, IQ का Z6 Lite 5G। IQ के इस मोबाइल का डिजाइन बहुत ही अच्छा है, उसके साथ स्पेसिफिकेशन बहुत ही अच्छे हैं। चलिए बात कर लेते हैं डिटेल में इस मोबाइल के बारे में। तो इसमें आपको 6.58 इंच का FHD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिलेगा 120Hz के फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ। परफॉर्मेंस में आपको Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 का चिपसेट है जो कि 6nm बेस्ड है, जिसमें LPDDR4X RAM UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप है। इसका अंतु स्कोर लगभग 4 लाख के आसपास आ जाता है, तो इसमें भी आप गेमिंग अच्छा खासा कर पाएंगे। उसके बाद सॉफ्टवेयर की बात करें तो फन टच OS है इसमें जो कि बेस्ड है Android 12 पे। बैटरी में 5000mAh का बैटरी है जिसमें 18W का चार्जर सपोर्ट करेगा। उसके अलावा कैमरे की बात करें तो डुअल कैमरा मिलता है 50+2 MP का और फ्रंट में 8 MP का सेल्फी कैमरा है। प्राइमरी कैमरे की जो क्वालिटी है वो अच्छा आता है, उसके बाद सेल्फी कैमरा ठीक ठाक फोटो निकाल देगा। फुल HD 30fps रिकॉर्डिंग कर पाएंगे और साइड में इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर है। अगर बात करें इस मोबाइल में क्या कमी है, सबसे बड़ी कमी है इस मोबाइल में आपको 2 5G बैंड मिलते हैं, जो दोनों पॉपुलर 5G बैंड है वो मिलते हैं, बट आपको 2 ही 5G बैंड मिलेंगे। उसके बाद इसका कैमरा डिसेंट है, सेल्फी कैमरा उतना अच्छा नहीं है। उसके बाद आपको बॉक्स में चार्जर नहीं मिलता है, तो ये भी एक कमी है, नहीं तो ओवरऑल और सभी फीचर्स ठीक हैं। बात करें इसके प्राइस की, इसका 6+128GB का वेरिएंट मिलेगा 15,499 रुपए का। आफ्टर बैंक ऑफर परचेस करेंगे तो ये मोबाइल आपको 15,000 के अंदर देखने को मिल जाता है। तो अब बढ़ते हैं अपने थर्ड नंबर स्मार्टफोन पे, जो है रियलमी का 9i 5G। रियलमी के इस मोबाइल का डिजाइन बहुत ही अच्छा है, उसके साथ बहुत ही लाइट वेट है और इसके थिकनेस भी बहुत ही अच्छा है। बात करें अगर इसकी स्पेसिफिकेशन की, इसमें आपको 6.6 इंच का FHD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिलेगा 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ, 400 nits का पीक ब्राइटनेस। परफॉर्मेंस में आपको MediaTek Dimensity 810 का चिपसेट है जो कि 6nm बेस्ड है, जिसमें LPDDR4X RAM UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप है। इसका भी अंतु स्कोर लगभग आपको 3,80,000 के ऊपर आता है, तो इसमें भी गेमिंग आप आराम से मीडियम सेटिंग में खेल पाएंगे। सॉफ्टवेयर की बात करें तो Realme UI का सॉफ्टवेयर है जो कि बेस्ड है Android 12 पे। बात करें बैटरी की तो 5000mAh का बैटरी है, जिसमें 18W का चार्जर सपोर्ट करता है। उसके अलावा कैमरे की बात करें तो कैमरा इसका अच्छा है, ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, 50MP प्राइमरी कैमरा, 22MP का माइक्रो डेप्थ कैमरा और फ्रंट में आपको 8MP का सेल्फी कैमरा मिलेगा। जो प्राइमरी कैमरे क्वालिटी है उसकी फोटो बहुत ही अच्छे आते हैं, लो लाइट की फोटो भी अच्छा खासा निकाल देता है। सेल्फी कैमरे की फोटो थोड़ा डिसेंट है, उसमें एक कमी है। वैसे आप इसमें फुल HD 30fps रिकॉर्डिंग कर पाएंगे और साइड में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। तो यह भी मोबाइल एक परफेक्ट मोबाइल है 15,000 रेंज के लिए। अगर इसमें भी कुछ मेजर कमी है तो मैं बोलूंगा सेल्फी में थोड़ा बहुत कमी है, नहीं तो बहुत ही अच्छा है मोबाइल है 15,000 की रेंज के लिए। वैसे अगर बात करें इसके प्राइस की, तो इसका 6+128GB का वेरिएंट मिलेगा 15,999 रुपए का। बट ये भी मोबाइल अगर आप आफ्टर बैंक ऑफर खरीदते हैं तो 1,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा, उसके बाद ये मोबाइल भी आपको 15,000 के अंदर देखने को मिल जाता है। अब बढ़ते हैं सेकंड नंबर स्मार्टफोन पे, जो है Samsung का Galaxy F14 5G। हालांकि Samsung का ये मोबाइल अभी लॉन्च नहीं हुआ है, बट बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, इस मंथ पे मोबाइल लॉन्च हो जाएगा। और 15,000 की रेंज के लिए यह भी मोबाइल एक परफेक्ट ऑप्शन है, अगर इसका लोवेस्ट वेरिएंट का प्राइस 15,000 के अंदर आता है तो। वैसे चलिए बता देते हैं इस मोबाइल के बारे में। इसमें आपको 6.6 इंच का FHD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिलेगा 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ, Gorilla Glass 5 का भी सपोर्ट है। परफॉर्मेंस की बात
बात करें तो Samsung Exynos 1330 का चिपसेट है जो कि 5nm बेस्ड है, जो कि 15000 रेंज के हिसाब से बहुत ही अच्छा चिपसेट है। इसका अंतु स्कोर लगभग 4 लाख के ऊपर आता है क्योंकि इसमें आपको LPDDR4X रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से अंतु स्कोर 4 लाख के ऊपर आ जाता है। इसका गेमिंग भी आप स्टिल अच्छा खासा इसमें कर पाएंगे। अगर बैटरी की बात करें तो वो भी अच्छा है 5000mAh का, जिसमें 25W तक चार्जर सपोर्ट करेगा। हाँ, ये एक कमी है कि इसमें आपको चार्जर नहीं मिलेगा बॉक्स में, चार्जर आपको अलग से परचेस करना पड़ेगा। उसके अलावा कैमरे की बात करें तो डुअल ही कैमरा मिलता है 50+2 मेगापिक्सल का, और फ्रंट में 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। अब जो 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है उसके फोटो अच्छे आते हैं, जो 2 मेगापिक्सल डेप्थ कैमरा उसको आप इग्नोर ही कीजिएगा, बट 13 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा है उसके फोटो आपको ठीक ठाक निकाल के दे देगा। इसमें आप फुल HD 30fps वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे और साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर है। तो अगर आपको Samsung का यह मोबाइल 15000 के अंदर मिलता है तो यह भी एक परफेक्ट ऑप्शन है 15000 रेंज के लिए। बात करें इसके प्राइस की, इसका हो सकता है 4+128GB का जो वेरिएंट आएगा वो आपको 15000 के अंदर देखने को मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने फर्स्ट मन मोबाइल पे, जो है मोटो का G62 5G। अब मोटो का यह मोबाइल एक परफेक्ट ऑप्शन है आपके 15000 रेंज के लिए अगर आपको एक 5G मोबाइल चाहिए। इसमें आपको डिस्प्ले, प्रोसेसर, कैमरा, बैटरी सब कुछ बेस्ट मिलता है। चलिए डिटेल में बता देते हैं इस मोबाइल के बारे में। तो डिस्प्ले में आपको 6.6 इंच का FHD+IPS LCD डिस्प्ले है, 120Hz के फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ। परफॉर्मेंस में आपको स्नैपड्रैगन 695 का 5G चिप मिलेगा जो कि 6nm बेस्ड है। यह चिपसेट आपको 20000 के रेंज में मिलता है, बट आपको ये 15000 के रेंज में मिल जाएगा इस मोबाइल में। इसमें LPDDR4X रैम UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप है, जिसका अंतु स्कोर लगभग 410,000 के आसपास आता है, जिसमें आप गेमिंग भी अच्छा खासा कर पाएंगे, लगभग मीडियम टू हाई सेटिंग में सभी गेम खेल पाएंगे। सॉफ्टवेयर भी इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है, इसमें आपको क्लीन UI मिलता है जिसमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 वर्क करेगा। बैटरी में 5000mAh का बैटरी है जिसमें 33W का चार्जर सपोर्ट करता है। अब बात कर लेते हैं इसके कैमरे की, तो कैमरा भी अच्छा है इसका। ट्रिपल कैमरा सेटअप है, 50MP प्राइमरी कैमरा, 8MP अल्ट्रा वाइड, 2MP का माइक्रो कैमरा, और फ्रंट में 16MP का सेल्फी कैमरा। कैमरे क्वालिटी अच्छा है, प्राइमरी एंड सेल्फी दोनों कैमरे अच्छे खासे फोटो निकाल के आपको दे देंगे। फुल HD 30fps में आप वीडियो शूट कर पाएंगे, और स्पीकर में आपको डॉल्बी एटमॉस का स्पीकर मिलेगा और साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर है। तो अगर आपको एक बेस्ट 5G ऑलराउंडर मोबाइल चाहिए इस रेंज के लिए, तो आप मोटो को G62 जरूर चेकआउट कीजिए, बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है ये। बात करें अगर इसके प्राइस की, तो इसका भी 6+128GB का वेरिएंट मिलेगा 15,999 रुपए का, बट आफ्टर बैंक कवर इसको परचेस करेंगे यह भी मोबाइल आपको 15,000 के अंदर देखने को मिल जाएगा। वैसे सभी मोबाइल के लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाकर जरूर चेकआउट भी कर लीजिएगा, और कमेंट करके आप बताइए कौन सा मोबाइल आपको इसमें से बेस्ट लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा जरूर वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।